होता है बिल्कुल। तुम जितने समय तक सोचोगे तब तक कई एग्जाम निकल रहे हैं प्रवेश परीक्षाओं के नाम पे, और जब तक हम समझ पाते तब तक अगला साल खड़े हो गया है। दुनिया बोल देती है अब इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, फिर या तो लोग एक साल रुकेंगे और या तो फिर मन मार के किसी और चीज में एडमिशन ले लेते हैं जो उनको करनी नहीं थी। और इस तरीके से जो प्लान आप अपने लिए कर रहे हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए अगर सही समय में आप नहीं सोच पाए तो ये तीन कोर्सेस में पहला कोर्स है आपके फाउंडेशन और एंट्रेंस पर आता है। अगर आप में से कोई बच्ची ऐसी है जिसने प्लान करके रखा है कि सर फार्मेसी एग्रीकल्चर मेडिकल इंजीनियरिंग नर्सिंग इत्यादि क्षेत्र में जाना है आपसे, ठीक, या सोचे नहीं है तो मन है कि जा सकते हैं, तो आपको ये पता होगा कि इन क्षेत्रों में जाने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा क्रैक करनी पड़ती है। और ये प्रवेश परीक्षा आपकी 12वीं की परीक्षा के समाप्ति के बाद मतलब मार्च में जैसे आपकी 12वीं की परीक्षा खत्म होगी अप्रैल और मई तक सारी प्रवेश परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक। अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो इसलिए ये कोर्स आपका जो प्लान किया गया है ये 1 अप्रैल के आसपास से शुरू होगा, मतलब आपके एग्जाम के खत्म होने के 3-4 दिन के अंतराल मार्च 26-27 मार्च तक खत्म होते हैं एग्जाम, तो ये मान के चलो 31 मार्च या 1 तारीख से ये सेशन स्टार्ट होगा और ये लगभग 2 महीने का चलेगा। टारगेट इतना रहेगा कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए बच्चों को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करने में सहायता करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए। एक ट्रूथ ये है कि 2 महीने में पूरा सिलेबस नहीं हो सकता, पर 2 महीने में वो जरूर हो सकता है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तुमको भी इस बात का आइडिया है कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं अलग अलग विषय होंगे कि हर चैप्टर से बराबर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नहीं आते, किसी से ज्यादा आते किसी से कम, तो बस वैसे ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अपने को फोकस वहां करना है जहां से हम ज्यादा गेन कर सके कम समय में। तो ये पहला कोर्स जो हेल्प करेगा आपकी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को क्रैक करने में, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो किसी भी क्षेत्र के हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये मैसेज आप अपने दोस्त फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स वगैरह तक भी पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। दूसरा कोर्स उन बच्चों के लिए है जो डिफेंस में जाने की इच्छुक, जिनको NDA अग्निवीर और एयरफोर्स नेवी की अधिक इंटरेस्ट है, जो प्लान करके रखते हैं या घर वाले बोलते हैं कि देखो डिफेंस में जा, तो ये सेकेंड कोर्स उनके लिए रहेगा। सेम ड्यूरेशन रहेगी 2 महीने के आसपास की, 50 से 60 दिन की, और इसमें आप लोगों को वो पढ़ाया जाएगा जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, फिर उसमें जनरल नॉलेज से लेकर करंट अफेयर से लेकर मैथ से लेकर पूरा साइंस सब कुछ कवर हो, सही है। ये सेकंड इवन आपको ये भी ट्रेन किया जाएगा कि आप वहां पर फिजिकल टेस्ट भी होता है ना उसका, फिजिकल एबिलिटी पर बेस्ड, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्या चीज रेगुलर आपको करनी जरूरी है, इस प्रकार से प्लान किया जाए। तीसरा जो कोर्स है स्किल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, ऐसे बच्चे जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, सर आपके से हो नहीं पाएगा, आप ये बोलोगे ना कि पढ़ के एग्जाम दे असंभव, 12वीं दे दिए ले देकर उसके आगे नहीं कर पाएंगे, होते हैं कई बार ऐसे बच्चे भी, ठीक, या कई ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ और सीखने में भी इंटरेस्ट होता है, तो इनके लिए थर्ड स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। इसमें हमने जो फील्ड्स रखी है मैं आपको बता दूं, पहली फील्ड हमने स्किल डेवलपमेंट पर रखी सॉफ्ट स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरा कवर होगा, चलने फिरने बात करने बोलने सब, ठीक। दूसरा आपने रखा कंप्यूटर बेस्ड स्किल, अपने स्मार्टफोन से कैसे आप वो काम ले सकते हैं पूरे जो लैपटॉप या कंप्यूटर से लिए जाते हैं, वो वर्ड फाइल से लेकर डेटा शीट से लेकर आपके पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन से लेकर ईमेल से लेकर सब कुछ, जिसके लिए आप किसी कंप्यूटर के आश्रित रहते हैं वो हर एक काम आप अपने मोबाइल फोन से प्रॉपर कर सकते हो, आपको ये आना जरूरी है, तो सेकेंड कोर्स इस पर बेस्ड रहेगा। थर्ड हमने जो प्लान किया वो इलेक्ट्रिकल और चौथा प्लान किया प्लम्बिंग, बेसिक से लेकर एडवांस इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग नेटवर्क विद वर्कशॉप, हमारे पास प्रॉपर वर्कशॉप है जिसमें सारे स्विच कनेक्शन ये वो जैसे ये सब बना हुआ है ना, ये सारी चीजें वहां रखी हुई है, आप उसको देख के समझ के सीख सकते हैं, प्रॉपर आपको यूज करने भी दिया जाएगा, समझाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा, ठीक। आखिरी हमने रखा हुआ है हॉस्पिटैलिटी और गर्ल्स के लिए ब्यूटी पार्लर भी उसमें हमने ऐड किया हुआ है, तो ये कुल मिलाती है हॉस्पिटैलिटी मतलब कैसे आप अगर सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो अपने कस्टमर से कैसे डील करें कि आप एक हेल्दी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके ऑर्गेनाइजेशन और उस कस्टमर के बीच, भले आप वहां रहे मत रहे कर जॉब के लिए या फिर वो कस्टमर आपसे सर्विस ले मत, वो जुड़ा रहे, जैसे आपके टीचर सबको पसंद आ रहे हैं स्कूल के, तो हो सकता है आप स्कूल से पास होने के बाद भी इनसे मिलने आए, पर अगर कोई नहीं पसंद आएगा तो आप मिलने आओगे, आप नमस्ते करके गायब हो जाओगे, ये चीज नहीं है, इसको बोलते हैं
प्रॉपर एक रिलेशन जो कस्टमर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोफेशनल के साथ होना चाहिए। तो ये हमने कुछ चीजें इंक्लूड की हैं। आपकी गर्मियों के बाद की जो छुट्टियां हैं लंबी चलेंगी इस बार, क्योंकि 12वीं में आप जब एग्जाम देकर निकलोगे तो एडमिशन वाला वो पूरा जुलाई अगस्त तक जाता है। ठीक, तो उस 4 महीनों के अंतराल में से 2 महीने अगर आप अपने लिए निकालें और एकेडमिक से हटकर जो 12 साल आपने पढ़ा उससे हटकर ऐसा जो उस चीज को पॉलिश भी करे, इम्प्रूव भी करे और आपको मार्केट में खड़े होने लायक बनाए कि कोई आपको कुछ दे सके आपकी उन सर्विसेज के बदले, पे कर सके, आप इस योग्य बने कि कोई आपको जॉब देने से पीछे ना हटे। ठीक, ज्ञान के अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपको कहीं एडमिशन या कहीं जॉब दिलवा सकते हैं वो हमने प्लान की है। तो आप अगर एक करते हैं तो बिल्कुल आमंत्रित है। 12वीं की परीक्षा अच्छे से दीजिए, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि 12वीं आपका अच्छा जाए और 12वीं खत्म होते ही आप इस कोर्स को अगर प्लान करते हैं तो आप घर वालों से भी बात करा सकते हैं, आप हमारे कैंपस विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इन कोर्सेज के लिए स्टार्ट हो चुके हैं 15 अक्टूबर से, ये मार्च एंडिंग तक चलेंगे। आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, पर प्री करवाएंगे तो शायद आपके लिए ज्यादा सही हो, क्योंकि एकदम एंड में बहुत से लोग एक साथ आते हैं तो कई बार लिमिटेड हो जाता है मामला, फिर उसमें सारे कोर्सेज हर किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन एक है। इस एक रजिस्ट्रेशन पे आप एक से ज्यादा कोर्सेज भी कर सकते हैं, पर आगे चल के भीड़ बढ़ेगी तो फिर एक रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल कोर्सेज शायद ना दिए जा सके, फिर वो फिक्स हो जाएगा कि एक रजिस्ट्रेशन का एक कोर्स। ठीक, आप चाहे तो आपके फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्स के साथ आप स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हो पैरेलल, आप डिफेंस वाले के साथ, वैसे तो मैंने डिफेंस के साथ स्किल को बिल्कुल अलाउ नहीं किया है, पर आप डिफेंस के साथ एंट्रेंस का कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एनडी में आपका मन हो पर ना हुआ। जैसे मैथ्स वाला एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, पिछले साल हमारे एक बच्चा था वो एनडीए के लिए ट्राई कर रहा था, उसका एनडीए में नहीं हुआ, बाद में उसको पता चला कि JEE एंट्रेंस में अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो आपको उधर हेल्प मिलती है, तो उसने JEE एंट्रेंस क्वालिफाई करने की कोशिश की थी एकदम एंड मोमेंट। तो ये चीज आपके साथ ना हो, आप पहले से इन दोनों चीजों को पैरेलली लेकर चल सके तो ज्यादा अच्छा। JEE मतलब जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है IITs और NITs में नेशनल लेवल पर, सही है। तो ऐसे बहुत सारे कई एग्जाम होते हैं जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, हमको पता नहीं रहता। ठीक, तो इसलिए आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ डिफेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर जो लोग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे वो ना डिफेंस करें ना वो एंट्रेंस करें। एंट्रेंस के साथ स्किल तो फिर भी चलेगा, पर डिफेंस के साथ स्किल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिफेंस अपने आप में एक अलग ही चीज है जो आपको डायरेक्ट रोजगार देगा, नहीं तो उसके साथ और स्किल सीखने का कोई सेंस ही नहीं होता। ठीक, तो आप एक साथ 2 कोर्सेज भी प्लान कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सिंगल, डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार होगा, आप एक एडमिशन फॉर्म एक ही बार भरोगे, आपको आई कार्ड भी एक मिलेगा, उस एक आई कार्ड में मेंशन रहेगा कि आपको कितने कोर्सेज के लिए अलाउ किया जा रहा है, और आप ऑफलाइन कैंपस हमारा यूज करेंगे 2 महीने के अंतराल में। अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो साफ सफाई व्यवस्था इत्यादि भी बहुत कुछ लग जाती है, तोड़ फोड़ भी होती रहती है अपनी जगह पे, तो इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस का शुल्क लेते हैं।